विधायक तो इतना बड़ा खराब आदमी है कि कहो मत वहाँ के बारे में। पहली बात, चुनाव में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को ही दिए थे हम लोगों ने, जनता ने, और कांग्रेस को जिताने के बाद भी शकल ना देखी आज तक वहाँ की, कहाँ गाँव है। नाम जानते हो विधायक का? हाँ, रविंद्र सिंह तो हमारे बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ कह रही है जनता की मिलते नहीं है। हरिद्वार को जनता दरबार लगा, जनता हरिद्वार को, हरिद्वार को होता है, मिलती है। कहाँ मिलते हैं वो? बड़े गाँव में कार्यालय पे। विधायक को लेके ये है श्रीमान जी, के संडे को कौन सी चौपाल लगती है? ना तो एसडीएम बैठे, ना कलेक्टर बैठे, ना एसपी बैठे। जो किसान वर्ग है उसकी शिकायत क्या एसडीएम कलेक्टर से होती है, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। इस वक्त हम एमपी तक की चुनावी चौपाल दिमनी विधानसभा में लेकर आए हैं। यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर हैं। यहाँ की कई सारी समस्याएं, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार की जनता वोट करने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। हम सब इस वक्त दिमनी विधानसभा के ककनमठ मंदिर पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जो यहाँ की समस्या है जिनको विधायक ने पूरा नहीं किया है। हम पहले चलेंगे आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा तीसरा विकल्प निकल के सामने आ रही है जो कांग्रेस बीजेपी दोनों के ही समय के जो मामले हैं उनको निकाल रही है। तो आप पहले आप अपना नाम बताएं। महेश अग्रवाल मामा। महेश अग्रवाल जी, बताइए यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ शिक्षा की सबसे कमी है, और कोई भी शिक्षा है यानी प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षा मिलती है, आम जनता गरीब लोगों को कोई शिक्षा का वो नहीं मिल पाता है। और रोडों की समस्या है यहाँ क्षेत्र में, मुद्दा भी रपटे के मुद्दे भी हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, खाद की किल्लत है, 266 रुपए का कट्टा है, आम जनता को नहीं मिल रहा, लाइन में लगा करके मिलता है तो कहीं मिल जाए, 340 350 330 रुपए में खाद कट्टा मिलता है। कोई सरकार ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। खाद का कट्टा, ये जो किसान का ये पूरा इलाका है दिमनी, ज्यादातर कृषि पर आधारित यहाँ की जनता है, तो यहाँ खाद नहीं मिल पा रही है। सरकार है बीजेपी की, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे? पर्याप्त रूप से यूरिया की खाद किसानों को मिल रहा है, कहीं कोई किल्लत नहीं है, सही रेट जो उसकी रेट है उसके उससे ही मिल रहा है। क्योंकि पूरा क्षेत्र कृषि पर निर्भर है, तो डीएपी हो चाहे यूरिया हो चाहे कोई सी भी बीज हो खाद हो, किसी बात की कोई कमी नहीं है पूरे क्षेत्र में। हमने अभी खुद भी देखा कि लोग लाइनों में लगे लेकिन उन्हें टोकन भी नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लाइनों में लोग लगे जरूर होंगे, उनका नंबर आ जाएगा तभी तो खाद मिलेगा। सीरियल से खाद मतलब प्रदाय किया जा रहा है, एक किताब पर जितना उसने बाजरा किया है या जो किया है उसके अनुपात में ही खाद दिया जा रहा है यूरिया, और ऐसी कहीं किल्लत नहीं है पूरे विधानसभा में, तो दिमनी में है ही बिल्कुल। आपने कहीं जगह लाइन लगी देखी नहीं होगी, मुरैना शहर में एक ही जगह से बटेगा तो लाइन लग सकती है, यहाँ तो लाइन नहीं है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, पर्याप्त यूरिया खाद उपलब्ध है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो ये दावे कर रहे हैं कहां तक सही है। जी आप बताएं, क्या खाद मिल रहा है, किल्लत नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल खाद नहीं मिल रहा। एक महीने पहले मेरा खुद का परमिट है, आज भी उस पर खाद नहीं मिला है। यूरिया मिल चुका है लेकिन डीएपी बिल्कुल है ही नहीं। ईएसपी खाद आ गया है, वो रखे हुए हैं लेकिन आज तक नहीं दिया गया है। ये बीजेपी द्वारा तो दावा किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ये समस्या इसी प्रकार हर सीजन में आती है, खाद की महंगाई इतनी। और कोऑपरेटिव जो बैंक है जो खाद बांटती है यहाँ पे अपने मुरैना जिले के अंदर, मुरैना से लेके सोपुर तक, उसमें करीबन करीबन 10,000 करोड़ रुपए का घपला है। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले उन कोऑपरेटिवों की जांच करा के, जो फर्जी सेक्रेटरियों ने लोगों के खाते से रुपए निकाल लिए हैं, अभी ये बहुत बड़ा घपला है, इसको अभी आने में समय लगेगा। जब सरकार हमारी आएगी तब हम बताएंगे किस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने अपने लोगों को बिठालकर वो पैसा निकालकर उपयोग कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। नहीं तो विधायक को, कांग्रेस का विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं क्या, आप बताएं? विधायक की सुनता कौन है, सरकार में सुनी जाती है अपोजिशन की? काफी प्रयास किया है विधायक ने, विधानसभा में क्वेश्चन रखे इस प्रकार के, कोई नहीं सुनता। जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है अभी? जमीनी स्तर नहीं नहीं मिल रहा है उन्होंने तो। आपकी तरफ से आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव सिंह तोमर है। आप जनता हैं या किसी पार्टी? मैं जनता से हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। मैं विधायक, तो विधायक के बारे में कहें उतना ही कम है, क्योंकि विधायक तो इतना बड़ा खराब आदमी है कि कहो मत वहाँ के बारे में। पहली बात, चुनाव में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को ही दिए थे हम लोगों ने, जनता ने, और कांग्रेस को जिताने के बाद भी शकल ना देखी आज तक वहाँ की, कहाँ गाँव है। नाम जानते हो विधायक का? हाँ, रविंद्र सिंह तो हमारे बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़ौसा के हैं।
नाम भरोसा के पर आता ना भरोसा के मिले नहीं वो। हाँ कब जीवन में सकल उसको ना देखे, वोट पे ही देखे थे हमने, फिर ना देखे कंके में जी है। और दूसरी बात, विधायक तो है ही यही खराब, विधायक के चमचो खराब है, व्यवस्था पूरी खराब है भांगाधारी की भाई साहब। किस तरह की चीजें जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं जनता की, जनता के लिए कोई भी कार्य के लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। जा उनके यहाँ, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है, कहीं कमलनाथ के संग है, कहीं मंगू बड़ा आदमी बच्चा वो समझो आप। एक बड़ी बात की विधायक मिलते ही नहीं है, उन्होंने वोट जरूर लिया जनता से लेकिन जनता से मिलना बंद हो गए। आप बताएं आप क्या स्थिति है विधायक की, वाकई मिलते हैं नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? यहाँ ये कह रही है जनता की मिलते नहीं है। हरिद्वार को जनता दरबार लगा, जनता दरबार हरिद्वार को, हरिद्वार को वो होता है, वो मिलती है। कहाँ मिलते हैं वो? बड़े गाँव कार्यालय पे। हाँ कार्यालय पे जाओ, बिल्कुल आज भी मिलते हैं। जनता दरबार कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों से जानते हैं कि जो जनता ने आरोप लगाया है वो कितना सही है, आप बताएं। बिल्कुल सही आरोप है, यह विधायक जी जैसे क्षेत्र में जाना चाहिए उस तरीके से नहीं जाते हैं। और समय पे वहाँ पे भी कई लोग गए, हमारे गांव से भी कोई समस्याएं थी, कई लोग गए, कई बार गए, लेकिन आज तक मरगट की एक समस्या थी जहाँ पे रास्ता नहीं है, वो रास्ता आज तक विधायक जी ने क्लियर नहीं किया। हमारा सरपंच भी दो बार घूम के आया, तीन बार कौन सी जगह का, धीरवल का पुरागा कुखतरी पंचायत में। अच्छा। ये मरगट पे आज भी वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि आज कोई खत्म हो जाए तो उसकी डेड बॉडी को लेके सुरक्षित 10 लोग पहुँच जाए, वहाँ रास्ता नहीं है आज भी हमारा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कई ऐसी सिंह तोमर भरोसा कांग्रेस प्रत्याशी हमारे जमनी विधानसभा से है, कोई भी नहीं ध्यान और वो इतवार विधायक, हाँ विधायक है, विधायक है। और सर चौपाल वो इतवार को लगाते हैं, क्या इतवार को कोई ऑफिस खुली मिलती है? नहीं मिलती, तो किसके यहाँ फोन करेंगे हम? कोई फरियाद लेके जाए किसी के पास तो कहाँ करें, बोलिए। इतवार को चौपाल लगाई जाती है तो क्या कर रहे हैं? एक बड़ी बात, इतवार को चौपाल लगाई जाती है, आप बताएं ये क्या स्थिति है? विधायक को लेके बात उठ रही है कि कोई उन्होंने जनता की सुनवाई भी नहीं की है। विधायक को लेके ये है श्रीमान जी कि संडे को कौन सी चौपाल लगती है, ना तो SDM बैठे, ना कलेक्टर बैठे, ना SP बैठे। जो किसान वर्ग है उसकी शिकायत क्या SDM कलेक्टर से होती है, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे उनके पास जाओ तो ना तो किसी को फोन लगाएं, जैसे हमारे गांव से दो तीन लोग गए, वह तो दो तीन लोग गए थे हमारे गांव से, तो वहां पे नल्ले की शिकायत थी, तो ना तो उन्होंने कोई शिकायत का ना वो किया ना कुछ किया, तो वापिस लौट आए। ये मेरी दिमनी वासी हो, मतलब बहुत लंबे चौड़े नारे थे, आज वो दिखती भी नहीं कहां विधानसभा में। क्या स्थिति क्या है सड़क की, कैसी स्थिति? आम आदमी पार्टी बताया गया कि शमशान जाने तक के लिए रास्ता। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की 2003 से सरकार है, 2003 से पहले की स्थिति दिल्ली विधानसभा की ये थी, ना कहीं सड़कें थी, सड़कें जहाँ थोड़ी बहुत थी भी तो गड्ढों में तब्दील हो गई थी, नहरों में पानी नहीं थी, कच्ची नहरें थी फूट गई थी, और बिजली का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रात 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, शहरों में लोग रात में जो है घर से निकल के मेरी चड्डी बनाना रोड पर घूमते थे। तो 3 की सरकार बनने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में इतना विकास किया, उस विधानसभा की उसी के माध्यम से दिमनी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रोड के तब 4 सब स्टेशन होते थे, आज हमारे 18 सब स्टेशन है दिमनी विधानसभा में। पुल के निर्माण देखो तो इतने रपटा पुल बनाए हैं कि हमारी जो जमीन शिपेज होती थी वो आप काफ़ी जमीन का पानी रुका है, नदियों का वो रुका है, रोडों का जाल बिछ चुका है। अब छोटी मोटी समस्या चली रहती है कि डेली आए दिन लोग घरों पे मकान बना रहे हैं, नई मजरा बन रही है, नई टोला बन रही है, तो विकास समस्या तो रहती है। ये लेकिन बात आपने कही BJP विकास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के ही प्रत्याशी को जिताया दो बार उपचुनाव में भी और उससे पहले आम चुनाव में भी, क्या कहेंगे? BJP कहीं कोई कमी रह गई? BJP की कोई कमी नहीं रह गई, BJP ने भरपूर यहाँ दिमनी विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, लेकिन जनता को कुछ ऐसा लगा, वो लोग ऐसे नारे देते थे लुभावने के, ये माटी चंबल की हम तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, ये युवा साथियों हम तुमको रोजगार से जोड़ देंगे, यहाँ से दिल्ली तक इंफ्रास्ट्रक्चर से फलानी जगह से यहाँ से, जो युवा साथी हमारे नहीं समझ पाए और किसान भाई हमारे नहीं समझ पाए वो बहकावे में आ गए उपचुनाव में, इसलिए उनको वोटिंग कर दी कि ये नया चेहरा है रविंद्र सिंह जी, ये 10-15 साल से प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं हम हमारी तस्वीर और तकदीर कैसी बदली जाएगी। तो अब वे अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं, सभी युवा साथी और किसान भाई अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा बेरुपिया प्रत्याशी पूरी दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पूरे जीवन काल में हमने कहीं देखा नहीं है, ये तस्वीर तकदीर के नारे देता है लेकिन हमको सबको ढपोसलों से और वैसे बहका देता है।
युवा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ रोजगार की और शिक्षा की क्या स्थिति है। शिक्षा की स्थिति तो जैसा है कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम, जैसे अभी हाल ही में सीएम राज स्कूल जो कि अपने हाल ही में गोठ में 35 करोड़ की लागत से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित हुआ है, वो कार्य चालू भी हो गया है। और जैसे कि आप जैसे बात कर रहे थे अभी स्वास्थ्य में देखा जाए तो आप यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं पता चलता है, जाओ बड़े स्तर पर जाओ, स्कूलों में जाओ या अपने, आप युवा हैं आपको रोजगार यहाँ मिल रहा है या आपको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। देखो यहाँ का जो चंबल क्षेत्र का पहले से नाम थोड़ा खराब है, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पे जो कोई चीज के लिए तैयार करते हैं तो यहाँ की जनता भी तो वोट करती है ना, जनता वोट सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बराबर बन रही है, वो ठीक है सरकार बन रही है, पर क्या है कि यहाँ के जो मुद्दे जब होंगे निचले स्तर पे जो व्यवस्थाएं होंगी उसके अनुकूल ही तो चलेगा। यहाँ के जो जनता का जो स्वभाव है वो थोड़ा वैसा है, कैसा कि डाकू लोग बोलते हैं, यहाँ पे कोई बड़े बाहर से किसी को लेके आओ इंडस्ट्री एरिया लगाने के लिए, कोई प्लांट लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। यहाँ का जो चंबल क्षेत्र का जो कारण है कि असुरक्षा की भावना, वो लोग बोलते हैं असुरक्षा है। आप बताएं यहाँ क्या असुरक्षा की भावना है, इस पर लगाम नहीं लग सकी? नहीं सर, जब से बीजेपी का जो ऊपर शासन है वो सही है, क्योंकि वहाँ से जो किसानों को जो लाभान्वित किया है, ऐसे सीधा पैसा 100% प्रधानमंत्री पीएम योजना से आ रहा है, और नल जल योजना है वो भी गाँव में चलाई जा रही है। तो यहाँ पे ट्राइबल हमने तो कई गांव में जाके देखा, वहाँ सिर्फ नल की पाइप फिटिंग है, पानी नहीं है, टोटी नहीं है। नहीं सर, सब जगह आ रहा है, जो ट्राइबल एरिया है, जो रूरल। मैं कुछ और लोगों से जान लेता हूँ, यहाँ नल जल योजना की बात की जा रही है, आपसे जानता हूँ मैं नल जल योजना की यहाँ क्या स्थिति है, आपसे जानिए, आप बताएं। देखिए श्रीमान, नल जल योजना की स्थिति तो यह है कि प्रारंभ में ये चालू किया गया है जो कार्य, तो उसका अधूरा तो है ही, हर जगह ये है कि चलो नल खुद गया। पूरा मुरैना शहर अगर आप देखें, शहर की बात करो तो खुदा हुआ पड़ा है। अभी दिमनी विधानसभा की अभी अपन दिमनी विधानसभा की बात करें, यहाँ भी यही स्थिति है, कई ऐसे गांव है जो खुदे हुए पड़े हैं लेकिन उनका कार्य पूरा नहीं है। केवल एक चीज है, क्या शिलान्यास करना और मीडिया में खबरें छापना। और शिक्षा और स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो आप शिक्षा के स्तर में बात करेंगे तो स्कूल तो खुले हुए हैं, वहाँ टीचर भी जाकर बैठ रहे हैं, लेकिन टीचर की कोई देख रेख नहीं कर रहा कि वो शिक्षक बच्चा को पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, समय पर वो काम हो रहा है कि नहीं। पर अगर आप बताइए, अगर शिक्षा में अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा? क्या सरकार इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी की दोनों को आ नहीं रही? ये दोनों ही एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, ये दूसरे पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं है विकास के नाम पर। विकास पर कोई ध्यान नहीं है, जो मौजूदा विधायक हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए, यहाँ ग्रामीण अंचल में दिमनी विधानसभा में क्या स्थिति है? विधायक ने जो जनता से वादे किए वो पूरे किए या नहीं किए? नहीं किए, पूरे कर रहे हैं। क्या वादे किए थे उन्होंने और कौन से पूरे किए? हमारे विधायक आदरणीय रविंद्र सिंह तोमर जी जनता के बीच में वादों के ऊपर नहीं आए थे, ये एक उपचुनाव था, इसमें हमारी जो पार्टी के पहले के प्रत्याशी थे गिरिराज डंडोतिया, वो पार्टी को छोड़ के गए और उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें टिकट मिला उनको, और वो जनता को ऐसा भरोसा था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा विधायक है जो पूरे वादों को पूरा करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अधिकारियों पे ऐसा दबाव बना दिया है कि वो कांग्रेस के और अन्य किसी वर्कर के लिए कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। आप बताएं, आरोप है बीजेपी के इशारे पे विधायक की सुनवाई, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, जनता के बीच संघर्ष करना, आंदोलन करना, और जब विधायक निष्क्रिय है तो कांग्रेस करना चाहिए। आज सरकार कर ये आरोप लगा रहे हैं तो इनको विपक्ष में है जी, इनको आंदोलन करना चाहिए, धरना देना चाहिए, बैठना चाहिए, मुद्दे उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाती है निष्क्रिय कांग्रेस? 15 महीने में सरकार बनी तब लूट करी विधायक ने, थाने में दे, पुलिस कचहरी में दे, सब में दे लूट करी। लेकिन जो विधायक कांग्रेस में थे वो तो बीजेपी में आ गए? नहीं, वो अब आए है ना बीजेपी में, अब सुधर गया क्या वो? जब कांग्रेस की सरकार की बोल रहे हैं पार्टी में। देखिए एक अहम बात यह है कि 2018 में यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए थे वो बीजेपी में चले गए, हालांकि इसके बाद बीजेपी में उन्हें हार मिली और कांग्रेस ने रविंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जीत गए। अब यहाँ ये बात फंस गई है कि वो पुराने विधायक पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लूट खसोट की थी, तो ये काफी असमंजस की स्थिति है। क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस पे आरोप है, प्रत्याशी पे आरोप नहीं, गिरिराज डंडोतिया पे आरोप नहीं,
आरोप जी कांग्रेस पे है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस से कौन आता था वसूली करने? तो ये तो गिराए तो नहीं आते थे, कांग्रेस के ऊपर लोग करते थे। ये अजीब बात है, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कैसा है बीजेपी का। हर नोट सीट के 500 रुपए लेते थे और पिकाऊ भी लाए थे। इस बयान के बारे में बताता हूँ, 35 यही तो यही आज आज बीजेपी की यही हालत हो गई है। आज बीजेपी के पास खुद के अपने नेता नहीं रहे हैं, वो बाहर से आए हुए पार्टी के नेताओं को इसी प्रकार प्रोजेक्ट कर रही है। अब वो जवाब नहीं दे सकते हैं, ये सत्यता की बात है। एक महाराज पार्टी बन गई है। अब मध्य प्रदेश के अंदर दो तरह की पार्टी है, एक शिवराज और एक महाराज, और बीच में नाराज, और नाराज लोगों का एक ही काम है, वो कांग्रेस के साथ अब की बार आएंगे और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर उन्हें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और दिमनी विधानसभा से जिसको भी टिकट मिलेगा, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि रविंद्र सिंह तोमर को टिकट मिलेगा और पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी जनता उसके साथ रहेगी और पूरे तरीके से उसको जिताएगी। हम आम आदमी पार्टी से थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ये दावा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस का ही विधायक बनेगा, तो जनता का क्या मूड है इस बार? जनता का पूरा बदलाव का मूड है, ना बीजेपी ना कांग्रेस अब की बार झाड़ू चलेगी, झाड़ू चलेगी। ऐसे क्या मुद्दे लेके आने वाली है आम आदमी पार्टी? बेसिक मुद्दे लेके आने वाली है, शिक्षा है, बेसिक मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, पानी है, लाइट है, ये चीजों में आज मुद्दे हैं। हर पार्टी बात नहीं 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 पार्टी दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में कई एक ऐसी रोड है, आज तक वहाँ हुई नहीं कभी, यानी हमारे मन भूला खबर आया, खबरौली है, बिशंगपुर से खबरौली, ये दोनों पार्टियाँ एक जैसी हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अभी तक जनता को विकल्प नहीं था और अब जनता को विकल्प मिल गया है, और अब की पूरा मन बना चुकी है दिमनी विधानसभा की जनता, पूरा मन बना चुकी है, अब की आम आदमी पार्टी आने वाली है, ठीक है सर। और हमारी सरकार बनती है तो हम रोडवेज बसों को चलाएंगे जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। दिमनी विधानसभा नहीं, सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। ये थोड़ा सा एक अलग चीज हो गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है नहीं बनती ये तो भविष्य तय करेगा। अपराध की हिंसा की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति यहाँ पर? अपराध तो बहुत होता है। 2003 से पहले यहाँ डाकू समस्या थी मध्य प्रदेश में, आज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई चिन्ह तक डकैत नहीं है या कोई आत्म अपराध ऐसा नहीं है। जो भी अपराध हुए हैं, मर्डर होना अलग चीज है, पारिवारिक विवाद हो सकती है, पारिवारिक विवाद हो सकती है, लेकिन डकैतों की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा खत्म कर दिया है पूरे मध्य प्रदेश में। आप बताया पत्रकार हैं, कोई भी एक भी कोई डकैत चिन्ह तो जो आज बुरी हुआ हो नहीं, कितने डकैत थे अपने यहाँ तीन से पहले, दयाराम हो रहे हैं अभी, राम बाबू, दयाराम, चाहे कितने भी हो, आज भय मुक्त है जनता और जो डकैत मुक्त है आज, अपराध मुक्त है आज। महिला हिंसा में निर्भया कांड रोज हो रही है, डेली हो रही है, 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये आंकड़े हमारे हत्याएं हो रही है, ये आंकड़े हमारे हत्याएं हो रही है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश करके डकैती डल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। ये वातावरण भयका बना रखा है बीजेपी वालों ने कि कोई आदमी कुछ कह भी नहीं सकता है। और ये जो महिला हिंसा का जो आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, आपका आंकड़ा नहीं, ये खुद बीजेपी की जो वहाँ की एनबीआरसी की रिपोर्ट है, सरकार उसने ये आंकड़ा दिया कि मध्य प्रदेश पहले नंबर महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन है, रोक नहीं लग पा रही है। ये मुद्दा एक बड़ा हो सकता है दिमनी के लिए, जो हिंसा है, जो अपराध है उनको लेके, तो बीजेपी कैसे निपटेगी? दिमनी विधानसभा में पूरी तरह से कानून व्यवस्था उचित है, यहाँ कोई अपराध घटित नहीं हो रहे हैं, ना महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सबल बनाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए लाडली लक्ष्मी बहना चालू किया, जिसके अंतर्गत पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1-1 हजार रुपये डाला जा रहा है इस माह, और 1250 रुपये डालेंगे अकाउंट में, उससे महिलाएं सबल होंगी। पूरे प्रदेश में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। शिक्षा को लेकर दिमनी विधानसभा में 2003 से पहले 10 स्कूल थे, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल, आज की स्थिति में 25 से ज्यादा स्कूल है। दिमनी विधानसभा में 2 सीएम राज स्कूल खुल रहे हैं, बन रहे हैं। लाडली बहना का आपने नाम लिया है, योजना के बारे में जानते हैं, सरकार ने जो योजना शुरू की है, कमलनाथ ने भी इसके बारे में बोला है नारी सम्मान, तो लाडली बहना का कितना लाभ मिलने वाला है यहाँ? नारी सम्मान कुछ समय के लिए चुनावी प्रोपगंडा है, चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना एक प्रोपगंडा है, चुनाव जब जीत जाएंगे लाडली बहना बंद, बिल्कुल। और ये सरकार हमारी हिमाचल में जब देख ली
कि हिमाचल में ये 1500 देना चालू हो गए तो उसी की तर्ज पर इनने सोचा कि हमारी लुटिया डूब गई, उसके जगह पे इनने लाडली बहना को चालू किया। अब जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पांच साल दस साल जब भी सरकार रहेगी हम पूरे साल तक 1500 रुपए हर महीने देंगे महिलाओं को। महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, नारी सम्मान है कांग्रेस की एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी की लाडली बहना है, आम आदमी पार्टी कैसे सामना कर पाएगी? आम पार्टी सामना अच्छे तरीके से करेगी और 200 यूनिट लाइट फ्री मिलेगी, बिजली पानी भी फ्री मिलेगा और स्कूल भी फ्री बनाए जाएंगे, चलेंगे स्कूल, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और जो बीजेपी ना शिक्षा की ओर ध्यान दे रही है ना लाइट पे ध्यान दे रही है, गरीब लोग हजार रुपए बिल आ रहा है तो कहाँ से बिल देंगे और दे नहीं पाएंगे, इतना बिल कर दिया है शिवराज जी ने तो बिल तो सीमा पार ही कर रहा है। एक यहाँ बिजली की समस्या आ गई बहुत ज्यादा, आम जनता बहुत त्रस्त है बिजली से। जमनी विधानसभा में बिजली की बिल्कुल समस्या नहीं है, इस 2003 से पहले यहाँ पर केवल 4 सब स्टेशन हुआ करते थे, आज की स्थिति में 18 सब स्टेशन से विद्युत सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने 132 किलो केवी का नया सब स्टेशन यहाँ स्वीकृत कराया और वो बन के तैयार हो गया, उससे सप्लाई की जा रही है, उसका जो बिजली का वोल्टेज लो की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, कहीं पर भी बिजली की कोई समस्या नहीं है। 24 घंटा जब कांग्रेस के शासन में 8 से 16 घंटा कटौती होती थी, 24 घंटे सप्लाई की जा रही है। और उसके अलावा अटल ज्योति के अंतर्गत केवल मात्र 100 रुपए पर, जिसमें 90% लोग कवर हो रहे हैं, 100 रुपए बिल पर लोगों को बिजली दी जा रही है। उसके अलावा मुरैना जिले में पहले मुरैना डिवीजन हुआ करता था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिमरी और अम्बा के लिए अलग से अम्बा में डिवीजन बनाया है, कोई भी कहीं भी ऐसा मजरा टोला नहीं बचा है जिसमें बिजली की लाइन नहीं हो। सड़क का मामला, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें सड़क नहीं हो गई हो, डम्बर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डाबर की सड़क, ऐसे छोटे कुछ गांव बहुत छोटे छोटे हैं, किसी कारण रह गए हैं तो मुख्यमंत्री की सुदूर गांव खेत योजना नरेगा की योजना से उन गांव को जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी सरकार काफी लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि विकास के कार्य भी हुए हैं, हालांकि कांग्रेस के अपने अलग दावे और तर्क हैं और बीजेपी के अलग दावे और तर्क हैं और आम आदमी पार्टी अपने अलग वादे लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाली है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस बार दिमनी विधानसभा की जनता किस पार्टी के प्रतिनिधि को अपना विधायक चुनती है। हेमंत शर्मा, MP तक के लिए, चुनावी चौपाल दिमनी।